सिंगोनियम एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो आउटडोर में भी अच्छे से ग्रो करता है और इनडोर में भी। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसे लंबी लंबी लताओं के रूप में भी सजा कर रख सकते हैं और चाहे तो छोटे छोटे पॉट में भी बुशी बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। इसके पत्तियों की खास बात ये होती है कि हरी हरी पत्तियों के बीच में पिंक पिंक कलर के आपको इस तरीके के कुछ लाइन दिखाई देंगे जो इसे बेहद अलग और खूबसूरत बनाता है। ऐसे तो सिंगोनियम के कई रंग होते हैं, पत्तों के कई वैरायटी में ये पाया जाता है। बरसात इसके लिए सबसे अच्छा वक्त है इसकी ग्रोथ के लिए। बरसात में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी छोटी छोटी लताओं की डंडियों को अगर आप गमले में ऐसे रख भी देंगे मिट्टी के ऊपर तो भी इस बहुत आसानी से ये लग जाता है। सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो सिंगोनियम जरूर लगाइए। 80% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट से इसकी पॉट बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। बहुत कम पानी, बहुत कम रोशनी में भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है। इसलिए इसे विंडो पर भी लगा सकते हैं आप बहुत आसानी से, और आप इसे आउटडोर में भी रख सकते हैं और ये इंडोर में भी बहुत अच्छे से रह जाता है। बस आउटडोर में जब रखें तो शुरुआत वाली धूप आए उस पर ही, 12 बजे से पहले वाली धूप में ही इसे रखें। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए फिर भी ये ऊपर से प्लांट हरा भरा ही रहता है, जल्दी मरता नहीं, भले ही ये मुरझा जाता है। इसे छोटे छोटे पॉट में भी बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होने के वजह से इजली ग्रोथ इसका अच्छा होते रहता है। लेकिन परेशानी इसमें तब आती है जब ये लेगी लेगी सा होने लगता है, जब इसकी ग्रोथ होने लग जाती है, जब ये बढ़ना शुरू करता है। इसके ऊपर के पत्ते ऊपर के बजाय नीचे लटकने लग जाते हैं। लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लताओं के रूप में लगाते हैं मॉस स्टिक पर, तो इसकी पत्तियाँ कुछ इतनी बड़ी साइज की हो जाती हैं। एक पत्ती ही 3 पत्तियों के रूप में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है और इसका बिल्कुल शेप अलग हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये वही सिंगोनियम है जिसे मैंने छोटे पॉट में लगाया है और इसे मॉस स्टिक पर लगाने पर इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है इनकी पत्तियों का, आप देख सकते हैं। छोटे पॉट में इसे बुशी बनाना हो तो इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ जाती है। इसे धूप पानी और इन सब से केयर करने की जरूरत तो नहीं होती है, खाद से इसकी केयर की नहीं करने की जरूरत होती है। लेकिन जब इसे पॉट में हम लगाते हैं छोटे पॉट में, तो समय समय पर इस तरीके से कटिंग हमें करनी पड़ती है, तब जा करके ये बूसी आपको छोटे पॉट में भी दिखाई देगा, वरना ये बहुत ही अनसेफ हो जाता है। इसे शेप में रखने के लिए इस तरीके से जब भी इसकी लताएं बढ़ने लगें तो यहाँ से उसे हम कट कर देंगे और कट करने से वहाँ से नए ब्रांच तो निकलेंगे ही, और ये साथ में इसे उसी मिट्टी में हम इस तरीके से दबा देंगे जिससे आपका प्लांट मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और बुशी भी हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपने पॉट छोटे पॉट में लगा रखा है और इस तरीका से बिल्कुल अनसेप आपका हो चुका है, तो उसकी केयर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही करें, वो बिल्कुल ही शेप में आ जाएगा और आपका प्लांट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस तरीका से बिल्कुल अनसेप हो जाए तो उसे यहाँ से जरूर कट करें इस तरीके से, बिल्कुल पॉट के मिट्टी के पास से ही उसे कट करेंगे, और जितनी भी कट हुई हैं उन सबको हम इस तरीके से ऊपर की मिट्टी पत्तों को इस तरीके से हटा के और उसी में हम इस तरीके से दबाते जाएंगे मिट्टी में। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे पानी में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके रूट निकले तब हम इसे मिट्टी में दबाएंगे, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरीके से इसे कट करके हर बार इसमें दबाते जाएंगे तो ये प्लांट बहुत ही बुशी हो जाता है और बिल्कुल शेप में रहता है। देखिए इस एक प्लांट से कितने प्लांट तैयार हो गए, और ये बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है आसानी से। ये
और जो हमने कट लगाया है ना, वहाँ से भी नए नए पत्ते आएंगे, नए नए, और आपका प्लांट बिल्कुल शेप में हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी छोटे छोटे, और इसकी खास बात यह है कि ये छोटे से छोटे चाय वाले कप में भी ये लग जाता है। मैंने इसे गिलोय के डब्बे में लगाया है, गिलोय जूस वाला जो जार आता है उसमें मैंने उसे कट करके लगाया है, और देखिए इसमें भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर रहा है। तो आपके पास भी अगर छोटे छोटे पॉट हैं इस तरीके के किचन में, जो यूज नहीं होने वाले जो भी आपके पास जार हैं या जो भी, आप उसमें इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। और देखिए जो हमने कट लगाया था उसके मैं अपडेट दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से उसमें लीफ आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। और आपका ये प्लांट बिल्कुल बूसी और बिल्कुल शेप में हो जाएगा। तो छोटे पॉट में इसकी केयर इसी तरीके से की जाती है। अगर आप सिंगोनियम की समय समय पर इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो वो शेप में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और इतना खूबसूरत लुक वाला सिंगोनियम बहुत ही खराब दिखाई देने लगेगा। और आप इतने छोटे छोटे ऊंचाई वाले भी पॉट में ये बहुत आसानी से लग जाता है, इसके चारों अराउंड अगर आप लगा देंगे तो ये बहुत ही बुशी नजर आएगा। ये देखिए इसे मैंने च्यवनप्राश वाले पॉट में लगाया है उसे कट करके, और आप इस तरीके से सजा के इसमें लगा सकते हैं, ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा ये पॉट। इस तरीके से अगर आप कलर करके उसमें सिंगोनियम लगा देंगे, क्योंकि इसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस टाइम टाइम पे जब भी इस तरीके से हो उसकी कटाई छटाई करते रहें तो ये बिल्कुल शेप में रहेगा पौधा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।